हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सब मज़े में, सब ठीक ठाक। आज मैं आपको छत से पतंगबाजी दिखाने आया हूं, जो छत से गेम लड़ रहा है, जो कि जो दो टीमें हैं हमारी, एक है मशाल काइट क्लब जो कि राज भाई का है, राज गुप्ता भाई का, और एक जो दूसरा क्लब है हमारा उसका नाम है यूनियन काइट क्लब। और जो उन क्लब के जो मेंबर हैं, मैं इनका क्लब है, उनका नाम है सुनील गुप्ता, जो कि मेरे पीछे खड़े हैं, देखिए पतंग लड़ाते हुए वाइट शर्ट में आप देख सकते हैं। तो आज इनका गेम मैं आपको दिखाने वाला हूं गाइस, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एंजॉय करिएगा। देखिए गाइस, पतंगे पार होके जाती हुई, ये देखिए आप, ये पतंगे हमारी पार होके जाती हुई, बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है, 15+ की हवा है इस टाइम, बहुत ही शानदार पतंगबाजी हो रही है। ये देखिए आप, ये पार होके जाती है हमारी पतंग। ये देखिए गाइस, तेज आ गया फिर से, नीचे से चलते हुए हम, ये देखिए पतंग हमारी राइट साइड पे नीचे से चल रहे हैं भाई, अब बिल्कुल अंदर ले जाते हुए, और झटके हमारे लास्ट में हमारा पेच कट गया है। ये देखिए गाइस, पेच आ गया राइट साइड में, ऊपर हमारी पतंग है और लेफ्ट साइड पे ओपोनेंट है, ये देखिए पेच लड़ता हुआ, और ये गद्दा मारा, बहुत तेज गद्दा मारा है ब्रह्मा ने, बहुत बढ़िया पेच काट दिया। देखिए गाइस, बहुत ही शानदार पेच, बहुत बढ़िया। वो देखिए गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये कट के जा रही है पतंग, बहुत लंबा पेच लड़ रहा है, और ये इन्होंने अपना छठा पेच काट दिया आज का इसी पतंग से, बहुत बढ़िया। देखिए पेच आ गया है हमारी, ऊपर से लड़ रही है, और ये गद्दा मार रहे हैं भाई हमारे, और ये गद्दा मारा इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया काट दिया है, ये पीछे तारों के पीछे पेच चला गया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पेच काटा है इन्होंने, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, फरमान भाई स्कोर लिखते हुए, फरमान भाई स्कोर बताइएगा अभी तक का। बराबर स्कोर चल रहा है, बराबर बराबर हो गया, कितना कितना? 14-14, 14-14 पे गाइस बराबर चल रहा है। पीछे पटेल भाई हमारे पतंग तैयार करते हुए, तैयारी में पतंग छोड़ने की, ये देखिए स्कोरिंग हो रही है और ये पतंग छोड़ने जा रहे हैं पटेल भाई, बस 5 हो गए ना, बस 2 और बाकी हैं। डमरू भाई ने हमारे 5 काट दिए पेच गाइस, बड़े ज़बरदस्त गद्दे मारे हैं, और बस 2 बाकी हैं इनके 70 होने में, तो दिखाता हूँ आपको अगला पेच इनका। तो गाइस ये पेच आ गया, आप देख सकते हैं सीधे हाथ वाली जो पतंग है वो हमारी है, हम ऊपर से हैं, और ये पेच लड़ता हुआ देखिए, ये नीचे चले 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 चले, गद्दा मारा इन्होंने, बहुत शानदार गद्दा, और ये काट दिया डमरू भाई ने, बहुत बढ़िया पेच काटा है, बहुत ही शानदार। वो देखिए पतंग कट के जाती है गाइस, ये जा रही है देखिए गाइस, देख सकते हैं पेच आ गया हमारा फिर से नीचे से, हमारे सुनील भाई लड़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये शाम का वक्त हो गया, पतंगें ज़्यादा उड़ रही हैं, तो शायद ये आखिरी पेच है आज का। नीचे से हमारी पतंग आप देख सकते हैं, नीचे वाली हमारी पतंग है, ये देखिए पेच लड़ता हुआ, ये नीचे से चले, बहुत बढ़िया सुनील भाई ने, बहुत ही शानदार पेच काटा है नीचे से, बहुत बढ़िया पेच काटा है। और एक गाइस आप देखिए, नीचे से हमारा पेच फिर से आ गया है, और ये नीचे से चल रहे हैं हम, देखिए बिल्कुल सीधा सीधा, और ऊपर वाले, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया पेच काटा है गाइस, बहुत बढ़िया। अरे गाइस, फिर से एक आखिरी पेच आ गया है, ये देखिए आज का, ये नीचे से हमारी पतंग लड़ रही है, और नीचे से सुनील भाई लड़ा रहे हैं फिर से, और ये चल रहे हैं देखिए, और ऊपर वाला भी अंदर आता हुआ थोड़ा सा, नीचे हमारी पतंग चक्कर लेती हुई आप देख सकते हैं, और देखिए पतंग में दोनों में काफ़ी गैप आ गया है, दिखाना मुश्किल हो पा रहा है। देखिए गाइस, ये नीचे चले और ये हल्का सा ऊपर किया, और ये आउट ऑफ साइट हो गई, काट दिया है पेच गाइस, पर देख नहीं पाए हम, पर काट दिया है हमने पेच इनका। तो फ्रेंड्स, आप मेरे सामने देख रहे हैं, राजेश भाई साहब बैठे हैं, हेलो करिएगा राजेश भाई साहब,
आप भी नाम बताइएगा भाई साहब ना। शैंकी भाई साथ में बैठे हैं और इनको भाई साहब को तो सब जानते ही हैं आप, हमारे बड़े भाई। और आज मैं इनकी कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ। यूनियन काइट क्लब के हमारे भाई बैठे हुए हैं, सुनील भाई। सुनील भाई साहब, आपका जो क्लब है वो कब शुरू हुआ था, कितने साल हो गए? ये क्लब हमारे पिताजी ने बनाया था 1956 में। 1956 में, जी जी। और उनके बारे में भी कुछ बताइए कि उन्होंने जो टूर्नामेंट लड़ाए ऑल इंडिया, तो कौन कौन से कब कब आप लोगों ने वो कप उठाए? देखिए, गोल्ड स्पोर्ट टूर्नामेंट एक विल्स 99 हुआ था जी, एक गोल्ड स्पोर्ट हुआ। हाँ जी। तो जो विल्स 99 लखनऊ का हुआ था जी, सबसे पहले 1967 ऑल इंडिया जी, वो जो हुआ था 1967 में जी जी, फर्स्ट ऑल इंडिया जीता था इनके पापा जी जी जी। उसमें हमारे पिताजी थे जी, और दीवान जी थे। हाँ जी। और लाला विशंबर थे जी जी जी। और उसमें क्या नाम है, ओमी उस्ताद जी थे जी जी, और सूरज चाचा थे। हाँ जी। तो ऐसे करके 5-6 लोग थे। हाँ जी। और वो टूर्नामेंट फर्स्ट लखनऊ से जीत के लाए थे, उसके अंदर तो विल्स 99 के नाम से ट्रॉफी मिली थी। विल्स 99 के नाम से, वालों की सिगरेट का जी एड था उसके अंदर जी जी जी। तो पहला टूर्नामेंट वो जीता था। बहुत बढ़िया जी। तो गाइस देख सकते हैं आप, आज हम ये छत से जो पतंगबाजी कर रहे हैं, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो ये हम छुट्टू भाई साहब जो बीच में हमारे भाई साहब बैठे हैं, इन्हीं की छत है ये, तो यहीं से आज पतंगबाजी हो रही है। लेकिन जो पतंगे उड़ रही हैं वो खास करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो पतंगे जो छत से रेयर ही उड़ाते हैं, सारी कलेक्शन की पतंगे हैं ये, जो लोग बिल्कुल बॉक्स में संभाल के रखते हैं, जल्दी नहीं निकालते हैं। तो देखिए पतंगों का खजाना देखिए आप आज। सुनील भाई सब दिखाना शुरू करिएगा कौन कौन सी पतंग है आपके पास। ये उम्र दराज की पतंग है, ये उम्र दराज की पतंग है, ये देखिए, ये देखिए आप, ये मतलब पतंगबाजी बनाने में जी जी जी। और मतलब वर्ल्ड के इन्होंने इनसे ज्यादा टूर किसी ने नहीं करे जी जी जी। मतलब इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट करा है हर जगह पतंगबाजी में जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही नायाब पतंग है, बहुत बढ़िया। सुनील भाई अगली पतंग कौन सी दिखाने वाले हैं आप? मुन्ना बदायूं, ये मुन्ना की पतंग है, ये देखिए, ये बदायूं की मुन्ना बिस्कुट के नाम से मशहूर है जी 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 जी। बेकरी भी है जी बदायूं में। ये देखिए गाइस, ये पतंगे आज छत से लड़ रही हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब पतंगे 25-25, 33-35 साल पुरानी है जी जी जी। और ये बिल्कुल उड़ जाए, फट रही है उससे तो बेहतर है कि उड़ाई उड़ा दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात शानदार। ये भी मुन्ना की ही पतंग है, देखिए आप, बदायूं की, बहुत शानदार। ये लखनऊ की इशाक साहब की पतंग है, ये देखिए, तो इस दुनिया में नहीं है। ये इरशाद जी की पतंग है, इशाक जी की, इशाक सब जानते हैं, बहुत पुराने हैं ये। कितनी लगभग पुरानी होगी पतंग भाई साहब? 20 साल से ज्यादा की है। 20 साल से भी पुरानी पतंग है गाइस, देखिए आप, ये बहुत बढ़िया शानदार कलेक्शन देखिए फ्रेंड्स आप। पतंग है मोनू की, ये देखिए आप, मोनू की पतंग मेरठ, ये देखिए आप स्टैंप और पतंग, 21 साल पुरानी पतंग, बिल्कुल 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 खजाना आप देख रहे हैं आज आप पतंगों का, नायाब एक से एक पतंग है इनके पास। ये बाबू खान की पतंग, ओहो ये तो मतलब 80 की पतंग है, ये 1980 की पतंग गाइस आप देखिए, ये 41 साल पुरानी पतंग आप देख रहे हैं बाबू खान जी के जयपुर। बहुत शानदार पतंग, जबरदस्त। ये सब छतों पर उड़ रही है आप जी, ये देखिए गाइस, ये छतों से उड़ा रहे हैं। ये छोटे लाल मुरादाबाद, वाह 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 वाह, 82 की पतंग है, जो उस्तादों के उस्ताद रहे हैं छोटे लाल जी, ये देखिए इनकी स्टैंप पे पतंगे भाई गाइस, आपको ये देखने को भी नहीं मिलेंगी ये पतंगे, 82 की है, बहुत ही जबरदस्त पतंग मुरादाबाद। ये मेरठ के लल्ला प्रेमी, ये देखिए आप गाइस क्या बात है, 1980 की पतंग, बहुत ज्यादा इन्होंने संभाल के पतंगे रखी हुई है। ये भी सन 1980 की पतंग आप बता रहे हैं कि देखिए कितनी पुरानी पतंग है ये भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये छोटे लाल की पतंग है जी जी, ये भी मुरादाबाद की है, ये देखिए गाइस छोटे लाल जी की पतंग, बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ, पुरानी पतंग एकदम, बहुत ये खानदानी लखनऊ के। ये देखिए गाइस आपकी फेवरेट पतंग, फिर से आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, ये देखिए खानदानी पतंग साज जो है ये इरफान खानदानी लखनऊ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कलेक्शन भाई साहब। ये बदायूं की, ये मुन्ना बिस्कुट जी जी, ये मुन्ना जी की फिर से आ गई बदायूं की। ये लखनऊ के बाबूलाल की पतंग है, ये देखिए गाइस पतंगे मैं सारी ले जाऊंगा आज इनसे लूट के, बहुत ही कमाल की पतंग है। 86-87 की पतंग है ये,
87-86 की पतंग बता रहे हैं, देखिए कितने साल से इन्होंने संभाली हुई है, गल रही है पतंग, सब आज टेपिंग करी है इनकी सब। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये देखिए बहुत बढ़िया जी, शानदार शानदार कलेक्शन। ये देखिए ये भी बाबूलाल की पतंग है, ये देखिए गाइस ये भी बाबूलाल जी की पतंग आप देख रहे हैं, फरमा देखिए जबरदस्त, जितना लंबा लड़ा लीजिए उसको उतना ही शानदार काम करेगी। ये सब देसी बांस के कमांड ठड्डों की पतंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनके कमांड ठड्डे में आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त, बहुत गांठ वाली है सब पतंग है, ये देखिए ये देखिए ये सब गांठ है, ये गांठदार पतंग है सारी, बहुत बढ़िया जी। ये गफ्फार साहब की पतंग है, देखिए गाइस ये गफ्फार जी की पतंग आप देखिए, इनकी स्टैंप मैं आपको दिखाऊं, ये भी कहाँ मिलेगी, ये तो बिल्कुल क्या पतंग बना रखी है, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी ही जबरदस्त फरमा है, बहुत बढ़िया शानदार कलेक्शन में सब, शानदार कलेक्शन। ये मुरली कानपुर, ये देखिए गाइस कानपुर की मुरली उस्ताद की पहचान आपको पता ही है, इनकी जो स्टैंप है ये आप देख सकते हैं, ये क्या पतंग है, बहुत बढ़िया मांगदार पतंग, बहुत ही सुंदर पतंग है, मजा आ गया, बहुत शानदार। ये 2005 की पतंग है, देखिए गाइस चुन्नू चंदौसी की पतंग आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया शानदार। ये देखिए ये भी चुन्नू चंदौसी की है, ये देखिए ये भी चुन्नू चंदौसी की डिजाइन, देखिए क्या डिजाइन डाला हुआ, क्या पतंग है, क्या पतंग है, बहुत बढ़िया शानदार कलेक्शन, शानदार। सुनील भाई थोड़ा इसको ठीक से दिखाइएगा, सुनील भाई अपने लिए ही पतंग बनाते हैं, फरमा देखिए पतंग क्या कमाल बनाई हुई है, देखिए यूनियन काइट क्लब इनका नाम, इनकी स्टैंप लगी हुई है, सुनील गुप्ता यूनियन काइट क्लब, बहुत ही बढ़िया पतंग है सब, बहुत बढ़िया। ये काला मांगदार, ये एक मुन्ना लाल जी थे दिल्ली के अंदर नगरी में, जी जी, अब वो कोरोना में उनकी डेथ हो गई जी, ये उनके हाथ की पतंग, ये देखिए गाइस मांगदार पतंग, इनकी स्टैम्प देखिए आप, ये अभी दो साल पुरानी पतंग है, ये मुन्ना लाल जी की अब इस दुनिया में नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन पतंग ऐसी जबरदस्त बनाई हुई है ये, बहुत बढ़िया शानदार कलेक्शन। और ये आलम का पतंग है कानपुर का, वाह 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 क्या फरमाया गाइस, फरमा देखिए ढोल फरमा एकदम जबरदस्त पतंग आलम की।